आसुचि आउ एक लघुचाप दक्षिण पूर्व बंगोपसगर और संलग्न बर्ती उत्तर बंगोपसगर में एक घूर्णिबल सृष्टि होई दक्षिण बंगोपसगर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना अछि एने सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग यार प्रभाव में 28, 29 और 30 राज्य में 7 जिले में स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा होब 30 तारीख जाए तमिलनाडु पुडुचेरी और केरल किसी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना अछि से भली कर्णाटक दक्षिण आभ्यंतरण अंचल और रॉयल सीमा 29 और 30 तारीख में बर्षिब 28 रु 30 तारीख जाए आंध्रप्रदेश उपकूल में वर्षा संभावना थिबा आईएमडी सूचना देछे। लेटेस्ट टुडे ऑन 26 अक्टूबर नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल सो मेनली ड्राई वेदर एंड द टेम्परेचर मेनली नाउ फॉर दिल्ली और हरियाणा और नॉर्थ इंडिया द टेम्परेचर विल कम डाउन 3 to 4 degrees सो इट मे कम अप टू 12-13 degrees बाय 1st or 2nd November and thereafter we have a very feeble western disturbance. देशको सचेतन करिबा भळी खबर जनताको जागृत करिबा भळी खबर देखिबा पई डाउनलोड करंतु रिथम आप या उभय एंड्रॉइड ओ आईओएस स्टोर रे उपलब्ध। Some rain or snow over Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, around 3rd of November. And Delhi will have a little cloudy also, 2nd or 3rd November. Otherwise, there is no significant rainfall activity likely over the plain. So this is about North India and for the area, peninsular India, Kerala, Tamil Nadu, where we have northeast monsoon started, there the activity will be there, but not much. There is a likely of a formation of low pressure. In the southern parts of Bay of Bengal, central parts, during next 2 to 3 days. And as it moves towards coast, maybe the rain will increase from 29 or 30. Regarding air quality, it's still continuing to be moderate to good. And it all depends how the wind and the minimum temperature come down.